जय हिंद साथियों, VKS स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज आपके लिए हम महत्वपूर्ण टॉपिक केरल राज्य से हर एक टॉपिक उठाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो पे चलने के पहले, अपने टॉपिक पे चलने के पहले, सबसे पहले एक मिनट का काम जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्त देखो, आपके लिए दोस्त मैं लाता हूँ, कुछ भी जो भी लाता हूँ, अगर उसमें कोई कमियां हो, गलतियां हो, तो वो आप हमें बताइए। अगर कोई भी गलती नहीं है, अगर आपके लिए वो यूजफुल है, तो प्लीज आपसे निवेदन करते हैं कि एक मिनट का टाइम देके अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी है आपके पास, जो भी चलाते हैं आप लोग, अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो दोस्त, आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप लोग अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलो दोस्त, हम लोग चलते हैं अपने केरल राज्य के ऊपर। आप इन्हें देख रहे हैं, ये प्यारे से रसगुल्ले को, इस रसगुल्ले को कोकोनट पेड़ के नीचे बिल्कुल आराम कर रहे हैं। अब ये हमारा सिंबल है उसका, नृत्य का। ये हमें आवाहन कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं अपने राज्य में कि आ जाओ हमारे राज्य में। कथकली करते हुए हमें बुला रहे हैं कि आ जाओ हमारे केरल राज्य में, और हम आपको दिखाएंगे इस पूरे छोटे से रसगुल्ले के साथ, आपको दिखाएंगे इस पूरे केरल को। तो ये बुला रहे हैं तो चलना पड़ेगा ना दोस्त। तो आओ हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे और इनके साथ, इस रसगुल्ले के साथ घूमते हैं पूरे केरल को। आओ दोस्त, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि केरल राज्य की स्थापना कब की गई, केरल राज्य की स्थापना की गई कब की गई। तो एक नवंबर 1956 को केरल राज्य की स्थापना की गई। कब की गई दोस्त, मेरे साथ बोलो, 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य की स्थापना की गई। अब यहाँ का कार्यभार कौन संभाल रहा है, केरल राज्य का कार्यभार मतलब वहां के सीएम कौन है, वहां के सीएम है पिनरई विजयन जी। अभी वर्तमान में पिनरई विजयन जी वहां के सीएम है। तो आओ दोस्त, उसका राज्यपाल भी देख लेते हैं चलते ही। तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। अब वो रसगुल्ला कह रहा है, हमारे पीएम, हमारे सीएम पिनरई विजयन है, और हमारे आरिफ मोहम्मद खान रसगुल्ले के साथ समझते हैं। वो कहता है कि हमारे कौन राज्यपाल, हमारे राज्यपाल हैं। तो रसगुल्ले के साथ घूमने में मजा आ रहा है दोस्त। आओ अब और आगे लेके चलता हूं। वो हमें दिखाता है कि हमारा पूरा क्षेत्रफल कितना है। तो 38,863 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है। वो बताता है मुझे कि 38,863 किलोमीटर हमारा वर्ग किलोमीटर हमारा केरल राज्य की, जो आप देख रहे हैं वो छोटी सी सीमा है, उसकी इतनी लंबाई है, उसकी पूरी वर्ग की क्षेत्रफल है। किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका मतलब पूरा ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ देख के तब ये काम करते हैं। तो दोस्त, आपसे निवेदन है कि आप लोग शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हैं। तो आप भी हमारा सपोर्ट करें दोस्त, क्योंकि हम आपके लिए खड़े हैं यहाँ पे। जो भी है संसाधन, कम ज़्यादा जिससे भी है, हम मैटर लेके आते हैं। मैटर में अगर कोई कमी रही, इस मैटर में अगर कोई कमी रही, तो आप हमें बताइएगा। लेकिन आपसे दोस्त, हमें आपका सपोर्ट चाहिए दोस्त, प्लीज सपोर्ट मी। उसके बाद देख लेते हैं केरल की जनसंख्या, केरल की जनसंख्या कितनी है। तो आओ हम इसे ऐसे ही गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3,34,06,061, 3,34,06,061 लोग यहाँ पे रहते हैं। और इसमें पुरुषों की संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,60,27,412 लोग, मतलब इतने पुरुष और इतनी महिलाएं हैं। यहाँ पे महिलाओं की संख्या आपको ज्यादा दिख रही होगी, देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 17 है। तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि यहाँ का लिंगा अनुपात ज्यादा है। यहाँ का लिंगा अनुपात है 1,084 महिला। यहाँ पे ये देखो लिखे हैं, लिंगानुपात इसका है 1,084 महिला, मतलब 84 महिला यहाँ पे ज्यादा हैं। तो दोस्त, यहाँ की लिंगानुपात दर भी ज्यादा है। आओ हम बढ़ते हैं आगे।
राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है और जिले इनमें कुल 14 जिले हैं। कितने जिले हैं मेरे साथ बोलिए, 14 जिले हैं। कितना जिला है दोस्त, 14 जिला है और राजधानी तिरुवनंतपुरम। राजधानी तिरुवनंतपुरम और यहाँ की प्रमुख नदियां के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां पेरियार नदियां, भरतपुजा, पेरियार नदी, भरतपुजा, पंबा, पेरियार, भरतपुजा, पंबा, चालकुड़ी, कल्लड़, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इन्हें अगर आप याद कर लेते हैं तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जियोग्राफिकल पार्ट में जो भी आप तैयारी करेंगे, जिसे पूछ लिया केरल राज्य की प्रमुख नदी कौन सी है, इसमें से अगर पेरियार दे दिया पेरियार पेटिक, भरतपुजा दे दिया भरतपुजा पेटिक, पंबा दे दिया पंबा पेटिक, तो आपको याद होना चाहिए दोस्त। आओ हम इसी क्रम में देख लेते हैं वन एवं राष्ट्रीय उद्यान। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के क्या है, पेरियार नेशनल पार्क, प्रमुख सबसे प्रमुख नेशनल पार्क है पेरियार नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण और साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, पेरियार नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण। तो दोस्त ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ की प्रमुख भाषाएं क्या होती हैं, यहाँ की प्रमुख भाषाएं क्या होती हैं। ये दोस्त सॉरी इसमें गलत हो गया थोड़ा, यहाँ की प्रमुख भाषाएं मलयालम और अंग्रेजी है। यहाँ की प्रमुख भाषा मलयालम और अंग्रेजी है। क्या है, मलयालम और अंग्रेजी है, मतलब यहाँ वे जो भी काम चलते हैं वो बोलने चालने की भाषा में मलयालम बोलते हैं और कोई भी काम किया जाता है जैसे कागज पत्र और सारे काम जो भी किए जाते हैं संविधान में कोर्ट में वहां सब पे इंग्लिश चलती है। और इसके राष्ट्रीय राजकीय सिंबल देख लेते हैं, राजकीय सिंबल है पशु हाथी और वृक्ष नारियल का वृक्ष। अब आ गया ना वो छोटू नारियल के नीचे रसगुल्ला जो प्यारा सा लेटा था आराम कर रहा था, वो आ गया यहाँ पे, वो नारियल के पीछे लेटा था, नारियल के नीचे लेटा था, एक नारियल गिरता तो छोटू ट्यां हो जाता। तो दोस्त नारियल यहाँ का क्या है, राजकीय वृक्ष है, नारियल यहाँ का राजकीय वृक्ष है। और फूल गोल्डन सावर है, फूल क्या है गोल्डन सावर, फूल क्या है दोस्त गोल्डन सावर। और पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल्स, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल यहाँ की पक्षी है। और यहाँ का लिंगानुपात है, ये पूरा कंप्लीट, यहाँ का लिंगानुपात है 1084, मतलब 1000 पुरुषों पे 84 महिलाएं अधिक हैं वहां पे। और साक्षरता दर 70% लगभग साक्षरता दर है, कितना है साक्षरता दर 70%। यहाँ पे सबसे पहले अन्ना चाड़ी, यहाँ पे सबसे पहले अन्ना चाड़ी जो पहली महिला जज बनी, भारत की पहली महिला जज अन्ना चाड़ी, जो कि कहाँ की थी, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है तो आप क्या बताएंगे, केरल राज्य की थी। कहाँ की थी दोस्त, केरल राज्य की थी, कहाँ की, फिर से बोलो, अन्ना चाड़ी कहाँ की थी, केरल राज्य की। और वह क्या थी, भारत की पहली महिला जज। और जो आप अमूल दूध पीते हैं, अब आ जाओ दोस्त एक क्वेश्चन पे और आते हैं, जो आप अमूल दूध पीते हैं उसके फाउंडर ऑफ सीईओ कौन थे, हमारे केरल राज्य के डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसे कहते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब दोस्त चलते हैं इनके प्रमुख बांध एवं इनके प्रमुख नृत्य एवं जो भी आगे पूरा टॉपिक ऐसे देखते चल देंगे एक क्रम में। तो दोस्त वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम आपके लिए खड़े हैं। दोस्तों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरल के प्रमुख झील, केरल के प्रमुख झील क्या है, अस्थामुड़ी झील, पेन्नमार झील, अकुल्लम झील, वेल्लयाडी झील, सास्थाम कोट्टा झील और पोक्केट झील। तो दोस्त ऐसे इसको नॉर्मल ऐसे याद कर लेते हैं कि अगर देखो केरल का कुछ भी पूछेगा तो उसमें अजीब तरह तुम्हें लैंग्वेज लगेगी,
केरल का कुछ भी पूछेगा तुम्हें अजीब तरह लैंग्वेज लगेगी, तुम्हें ये लगेगा ये कहां से आ गया, ये कभी देखे ही नहीं है। तो पेपर में ऐसे भी टिक लगा देना, लेकिन एक बार झीलों को देख लेना। तो दोस्त झीलों को देख लेंगे हम, फिर उसके बाद चलते हैं केरल की प्रमुख बांध। केरल में जो प्रमुख बांध है, जो बांध बनाए जाते हैं जिन पर टर्बाइन बांध के बिजली पैदा की जाती है, उसे ही बांध कहते हैं। जैसे नदियों पे पानी रोक के बड़ी बड़ी नदियों पे बड़ी बड़ी नदियों पे पानी को रोक के फिर उसको गिराया जाता है, मतलब जैसे ये पानी का फ्लो है, फिर बीच में बांध बना देंगे, फिर उसके ऊपर से पानी ऑटोमेटिक इधर भरेगा, जब पानी पीछे से ज्यादा आएगा ऑटोमेटिक इधर भरेगा, फिर ऊपर से गिरना शुरू हो जाएगा। और जब गिरने लगता है, जैसे ये इधर से गिर रहा है, तो यहीं पे टर्बाइन लगा देंगे और टर्बाइन घूमना शुरू करेगा और बिजली का उत्पादन होने लगेगा। तो इसीलिए बांध बनाते हैं, और बांध बनाने से पीछे पानी भर ज्यादा जाता है और वाटर लेवल की हर एक चीज और प्रकृति की हर एक चीज बढ़िया होती है। बांध बनाने से बहुत फायदे होते हैं और अपवाद सब में रहता, थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। तो आओ दोस्त केरल के प्रमुख बांध देख लेते हैं। पिच्ची बांध, ऐसे याद कर लेना, पिच्ची बांध, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध केरल का फेमस बांध है, और सोलेयार बांध, सोलेयार बांध। तो आओ देखते हैं केरल का प्रमुख नृत्य, जिस नृत्य से हम लोग शुरुआत किए थे, मेरा मुझे बुलाया था, मेरा स्वागत किया था, उसी नृत्य से रिलेटेड सारे नृत्य को देख लेंगे केरल के क्या क्या हैं। कथकली, केरल का प्रमुख नृत्य है कथकली, मोहिनीअट्टम, चक्यार कोथू, थैम्बम, कोट्टियाडम, मार्गम कली, ये केरल के प्रमुख नृत्य हैं। तो दोस्त नृत्य समझ में आ गया होगा आपको। फिर यहाँ के त्योहार, यहाँ पे फेस्टिवल क्या क्या मनाए जाते हैं केरल में, हम लोग इसे भी जान लेते हैं। तो दोस्त यहाँ पे त्योहार मनाए जाते हैं, ओणम प्रमुख त्योहार है, यहीं पे नौका रेस भी होती है, ओणम त्योहार में ही नौका रेस होती है, मतलब नाव का रेस होता है ओणम त्योहार में ही होता है। दूसरा विशु, तीसरा थिरुथिरा, और क्रिसमस भी वहाँ पे अच्छे लेवल में मनाया जाता है केरल में। और वहाँ की जनजातियाँ क्या क्या पाई जाती हैं, वहाँ पे ट्राइब्स क्या क्या हैं, ये भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। ओडियार ट्राइब्स, एरंडन ट्राइब्स, इरुल्लर ट्राइब्स जनजातियाँ, इरुल्लर जनजातियाँ, कंडार जनजातियाँ, कनिकर जनजातियाँ, मलासर जनजातियाँ, ये यहाँ की जनजातियाँ हैं। तो दोस्त आज आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग ऐसे ही पूरे राज्यों को देखने के लिए इस मेरे VKS स्टडी चैनल को अपने फोन में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। देखो दोस्त, इससे आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, अगर आप इस चैनल पे आ रहे हैं तो, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिल जा रही तो दिक्कत है, बताओ कोई दिक्कत है? अगर आपको थोड़ी सी जानकारी मेरे माध्यम से मिल रही है, एक एक राज्य को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बढ़िया से देख सकते हैं। तो दोस्त आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और एक एक राज्य को जानने के लिए खुद भी जाने, खुद भी समझदार हों, और अपने साथी संगति दोस्त मित्र मित्री सबको भी जागरूक करें। तो दोस्त इसी वीडियो पे हम अपना लैंग्वेज, हम अपने ये टॉपिक को समाप्त करते हैं और आपसे लेते हैं अलविदा, और मिलेंगे कल। जय हिंद, वंदे मातरम, अगले टॉपिक के साथ।